बिहार के जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह को 200 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने उनके 60 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि राधाचरण साह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले कल ईडी की टीम ने राधाचरण के पटना स्थित 2 और आरा के 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बता दें कि राधाचरण के ठिकानों से हिसाब किताब के कागजात, प्रॉपर्टी के कागज और कारोबार से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि उनके हिसाब किताब भी कोड वर्ड में है, जिसे डीकोड करने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू एमएलसी पर आरोप है कि उन्होंने बिहार के कई जिलों के साथ साथ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, बेंगलुरु, उत्तराखंड और झारखंड सहित कई राज्यों में प्रॉपर्टी खरीदी हुई है।